आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। कन्हैया कुमार का आज नामांकन भरा जा रहा है, चारों तरफ जनसैलाब उभरा हुआ है। सच्चाई है, कांग्रेस ने जो करे हैं काम वो ये कभी मर के भी पैदा होंगे नहीं कर सकते। बीजेपी वाले कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले 70 साल देश को शोषण करा लूटा है, झूठ बोलते हैं। आप बताइए 70 साल की तो इनकी उम्र भी नहीं है मोदी जी की। अच्छा, अभी कहाँ पहुँचे हुए 70 साल, क्या शोषण करा इन्होंने? 70 साल हो गए मोदी जी को पैदा हुए, सुई से लगा के जहाज तक, एयरपोर्ट तक, हर चीज के अंदर कांग्रेस ने एक वोट का काम करा। अच्छा। इन्होंने क्या करा, देश को बेचने का काम करा, रेलवे को बेचा, एयरपोर्ट बेचा, लाल किला बेचा, सारी चीजें बेची हैं। किस चीज को आप कह रहे हो? आज कांग्रेस के अंदर जोश है, उमंग है। जो नेता हमारे चले गए थे, दब गए थे, वो निकल निकल के अब बाहर आए हैं। और कन्हैया जी का नाम सुन के लोग बाग बहुत दूर दूर से आदमी जो हमारे यहाँ के हैं, यहाँ की वोट है 22,90,604 वोट है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अब की कन्हैया कुमार ये भूल जाए, कन्हैया कुमार जो है ना वो चीज करके दिखाएंगे जो ये लोग हैरान हो जाएंगे। ये जो हमारा 5 का वो चला है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, घर घर वो पहुंचा है। लोग बात कह रहे हैं महिलाओं को पैसे दे रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चों को पैसे दे रहे हैं। हमारी करेंसी कहाँ है आज देश के अंदर? कहते हैं हम वो बन गए बीस गुरु, घर के अंदर का माल बेच के बीस गुरु बन गए आप। घर के अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो आपने नहीं बेची है, जो कांग्रेस ने बनाई थी? कांग्रेस ने चढ़ के शीला जी ने पूरी दिल्ली को चमका दिया था। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कन्हैया कुमार एक ऐसा नेता आ रहा है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन का विकास करेगा, पढ़ा लिखा आदमी है, हर धर्म को ये गले लगाता है, हर धर्म के लिए बात करता है। जिसके साथ इन्होंने अन्याय करा था, कोई चीज उन्होंने गलत काम नहीं करा था, इन्होंने सारा उसके ऊपर लगाया, जैसे केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, और को अंदर कर दिया, दबाने का काम कर रहे हैं। जब कोई इस तरीके का राजा पैदा हो जाता है उसको जवाब मिलता है। ये मैं अब की आपको बता रहा हूँ, 405 जो कह रहे हैं ये इनकी घबराहट है। 405 तो हो ही नहीं सकते, राजीव गांधी जी हुए थे 400, समझे? अब ये कह रहे हैं हम पार हो जाएंगे 400, कहाँ से हो जाएंगे पार? यूपी 2 जगह चुनाव हुए, वही राम मंदिर इन्होंने बनाया, 370 धारा इन्होंने खत्म करा, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे, तो इनका 400 पार नहीं होगा, आपका होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए, जहाँ 300 धारा जो हटाई है कश्मीर के अंदर, उन्हें इन्हें नेता नहीं मिल रहा कोई खड़ा करने का वहाँ पे, है जी। और जो अनाज दे रहे हैं, जो गैस सिलेंडर कांग्रेस के राज में 400 रुपए का था, आज गैस सिलेंडर कितने का है? आज गाड़ी जो हम बाइक चलाते हैं वो कितने की है? ट्रैक्टर कितने का आ रहा है? किसानों को मार रहे हैं, 750 किसान यहाँ हो गया कांग्रेस के राज में, कभी किसानों ने धरना या प्रदर्शन नहीं करा, जो चीज करी उसको कांग्रेस ने मान लिया। ये क्या है? ये सिर्फ जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी नहीं सुनती। एक जुमला देने के बाद में 100 जुमले बोल लो आप, कुछ नहीं कामयाब। आज जनता जाग गई है, सब कहीं की जनता जाग गई है, गांव से लगा के शहर तक की। आप खुद देखोगे ये कहाँ जाते हैं, 400 बार तो कह रहे हैं ये, लेकिन इनको 400 सीटें जिस तरीके से खड़ी करी है, कहाँ खड़ी है बताइए आप मुझे? 400 बार तो जभी तो होंगे। आज सीटें कितनी खड़ी करी है? 300 कुछ सीटें हैं जिन पे इलेक्शन लड़ रहे हैं ये, और वहां पे भी इनके कैंडिडेट पैसे से दे दे के कांग्रेस के कैंडिडेट तोड़ रहे हैं, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, बताइए क्या करेंगे आप? हमारे यहाँ कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के जो छो रहे थे लोग, गुमराह हो रहे थे, आज वो भी आ गए बुढ़े बुढ़े। आप इसमें ही रैली में देखेंगे कन्हैया कुमार के लिए एक आवाज दी है कन्हैया ने, विकास करने की आवाज दी है, लोगों को पढ़ाई की तरफ ध्यान करेगा, पढ़ा लिखा बच्चा मिल रहा है। और ये नचोना जो आया हुआ है हमारे यहाँ, ये नाच नाच के डांस करके दिखा रहा है, डांस में कौन वोट देगा? जो काबिल आदमी आएगा उसको वोट मिलेगी और उसको सब लोग देंगे। मैं खुद बीजेपी के उसमें घूमा हूँ, जो हमारा 5 घोषणा पत्र है वो लोगों को लेके घूमा हूँ, बीजेपी वालों में घूमा हुआ। ये कह रहे हैं भाई ये तो बहुत बढ़िया बनाया है इन्होंने, कोई ऐसा बन नहीं सकता, जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाया है अपना वो बन ही नहीं सकता विकास के अंदर, सबको उनमें सारे दलों को सबको मिला लिया है। आज लोग बाग भाग रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, कोई किसी को बुला नहीं रहा है। जो बीजेपी के भी लोग हैं वो भी कह रहे हैं
भाई बताना मत ही, हम चुपके से वोट कांग्रेस को ही देंगे। सच्चाई है इसमें, झूठ बोलने का काम नहीं है। मैं गलियों में घूमता हूँ, मुजफ्फराबाद में हूँ, और जब 22,90,604 वोट है उसके अंदर ये कह रहे हैं मुझे 3 लाख वोट पहले फालतू मिल गई। आपकी वोट लेके दिखाओ 3 लाख फालतू, अगर आपकी जमानत भी बचा दो तो तुम बहुत बढ़िया समझोगे अपने आप को। यहाँ कोई काम नहीं करा इन लोगों ने, कोई विकास का काम नहीं, कहीं नाम नहीं है तिवारी का, ये हमने काम करा है। बस आवाबाजी में आए बाय बाय और चल दिए। ये इस चीजों से काम नहीं चलता, देश का काम चलता है काम से। आपका बच्चा काम नहीं करेगा उसे कब तक आप खिलाएंगे? एक दिन आपको उसे बाहर निकालना पड़ जाएगा। जब ये इन्हें काम नहीं करे तो क्या करेंगे ये, समझे? थैंक यू, थैंक यू। रेडी, ये क्या कहेंगे कन्हैया कुमार के नाम? देखिए कन्हैया कुमार का कहना क्या है, सीधा सीधा है, यहाँ से जीत है, निश्चित और पक्की जीत है। इस बात को अब समझ लेना चाहिए विपक्ष के लोगों ने, जो आज सत्ता में है वो ये मानपा विपक्ष के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि जितना भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना था, जितना टुकड़े टुकड़े गैंग उन्होंने कहना था, इस देश के अंदर पढ़े लिखे यूनिवर्सिटियों के अंदर छात्रों को अनपढ़ कहना, इस देश के युवाओं को जेल के अंदर डाल देना, आज अमर खालिद जी 3 साल से जेल के अंदर बैठे हैं। इस सरकार तालिबानी सरकार ने यही किया है, जो पढ़ने वाले हैं, जो सोचने वाले हैं, जो लिखने वाले छात्र हैं, उनको डराओ धमकाओ जेलों में डालो, लेकिन आज देख लीजिए 10 साल के अंदर इनका पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है। और आज चाहे वो किसानों की बात हम कर ले, चाहे उन मजदूरों की बात कर ले, और इस देश की राष्ट्रीय खिलाड़ी पहलवान जो अपने आप को देश के अंदर जाट जाति और दबंग जाति और ताकतवर जाति कहने वाली थी, जब उनको बीजेपी सरकार ने नहीं बख्शा है तो आम इस देश के लोगों का क्या हाल होगा? ये तो अब जनता ने जान लिया है। और तमाम जो 400 पार का नारा देने वाले थे, आज वो पगले झांक रहे हैं, वो 150 वो पार न कर पाए। ये इस देश की जनता का मूड है। कांग्रेस पार्टी के बगैर मांगे वोट जो कि झोपड़ियों के अंदर और फैक्ट्रियों के अंदर सेक्टरों के अंदर अपने आप वोट कन्वर्ट हो रहा है, कांग्रेस नेता को तो खड़ा रह के इस देश के संविधान की बात करना है और हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के इस देश की बात करे देश की जनता, और दोबारा से इस देश के अंदर कांग्रेस आने वाली। देखिए कन्हैया दिल्ली के अंदर जब से जेएनयू के अंदर पढ़ने लगा था तब से लेकर आज तक बीजेपी कन्हैया को कोई नहीं जानता, लेकिन ये जो तालिबानी है आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने ही कन्हैया को जनवाया है। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं करते, अगर उनको झूठे मुकदमे में झूठी सीढ़ियां बना करके उसको पेश ना करते तो शायद आज बीजेपी का इतना बुरा हाल नहीं होता। ये तो बीजेपी खुद सोचे कि उन्होंने गलतियां कितने करी है, और पूर्वी उत्तरी दिल्ली से नहीं पूरे के पूरे पंजाब राजस्थान हरियाणा और ये दिल्ली सुपड़ा साफ होना है। ये तो हमारे टप के राज्य है, बाकी और देख लेना क्या हाल होगा। टप जी आपकी बार 400 पार इसमें क्या कहेंगे? सर 400 पार का नारा, एक व्यक्ति 400 रुपए की चेयर बेचने आता है 180 में दे जाता है, ये बहुत गलत बात है। मनोज तिवारी हमारे मोहल्ले में आके कहते हैं 400 पार, पेट्रोल महंगा, राशन महंगा। सर मेरी कहने का मतलब ये, एक गरीब भीख नहीं, भीख मांग लेता है, अमीर पे बहुत पैसा है। हम मिडिल क्लास फैमिली कहाँ जाएंगे सर? रिंकिया के पापा को ये सोचना चाहिए। अब वो गया, इस बार वो सांसद नहीं बनेगा, इस बार सिर्फ कन्हैया आएगा और कन्हैया ही जीतेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। रहने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या कह रहे हैं रहने वाले? सर कांग्रेस पार्टी के मुद्दे तो यही है, वो गरीबों का साथ देगा। राहुल गांधी शिक्षा, हमारे अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी कभी भी इन्होंने यही नहीं कहा धर्म के नाम पे वोट दो, इन्होंने कहा काम को वोट दो। अगर मेरी पार्टी काम करती है, काम करेगी, तो वो पार्टी कन्हैया कुमार अब उठाएगा। और रही बात हमारे केजरीवाल जी की, 7 तारीख को ऐसी खुशी ऐसा बम फोड़ेंगे कि
विभाग